हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते भी हैं जीआरएफ एग्जाम में। उन्हीं टॉपिक को मैं आज डिस्कस करूंगा और स्टार्टिंग से बताऊंगा। ऑलरेडी मेरा सेक्स डिटर्मिनेशन का लेक्चर डल चुका है, आप प्लेलिस्ट जेनेटिक के प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा। वहां पर आप मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं जो जेनेटिक का मैं डाल चुका हूं, थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब हमने पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें कवर किया है। आज की इस लेक्चर में हम थ्योरेटिकल तो कवर करेंगे ही, थोड़ा बहुत उनको ब्रीफ में आपको समझाएंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन जो लेक्चर है, इसमें आप सिंगल वर्ड सेक्स क्या होता है इसको हम आज जानेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड, सेक्स अट्रैक्टिंग फीचर्स ऑफ एनी इंडिविजुअल टू कंपेयर द टू और मोर थिंग्स। जब हम दो से ज्यादा थिंग्स को कंपेयर कर लेते हैं तो ऐसे कैरेक्टर क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कहलाते हैं। तो ये कैरेक्टर मेल और फीमेल हो सकते हैं, तो इन द मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों में क्या होते हैं आपके कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर होते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्स, जिससे हम कंपेयर कर लेते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। उसके बाद दूसरा है आपका इसका मतलब क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को कि ये मेल है, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कह देते हैं। और इस सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस में हम क्या लगाते हैं, जेनेटिकल कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, जेनेटिकल कॉन्सेप्ट को इसमें लागू करते हैं, तब जाकर के हम क्या कर देते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। अब सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म में हम या तो पहला तो है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कर देते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, मैं इसको शॉर्ट में SD लिख देता हूं। फिर दूसरा आपका आता है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये दूसरे तरीके का है। फिर तीसरे तरीके का जो मैकेनिज्म है वो मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन का है। ठीक है, ये तीन तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन के मेथड है और इन्हीं तीन तरीकों को हम फॉलो करते हैं, इन्हीं तीन तरीकों से हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अब इसके भी अलग अलग कैरेक्टर हैं, जैसे XXXO XXXY और YYXX, इस तरीके से अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग जीव जंतु में क्या होता है कि इस तरीके के मेथड यूज होते हैं। जैसे बर्ड्स वगैरह में आता है आपका ZZ WW, ऐसा कुछ है। तो इसको आपको डिटेल्स में नहीं जाना है, आप अगर पढ़ना चाहो तो फुंदन सिंह की बुक में आपको दिया है, ये पढ़ सकते हो। बट क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ये एक मेथड है, और दूसरा है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इन्वायरमेंट में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो गया, या फिर और भी इन्वायरमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि जो सेक्स कैरेक्टर होगा वो किस तरीके का होगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ऑर्चिस के एग वगैरह में भी इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। उसके बाद आपका मोनोजेनिक सेक्स कैरेक्टर जो पपाया में यूज होता है, ओके, और आपका कुकुम्बर में भी यूज होता है। तो इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन पपाया और कुकुम्बर में करते हैं, वो हम डिटेल से बाद में समझेंगे। अभी हमने इतना बेसिक चीज समझ लिया कि सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या प्रोसेस होता है और सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये एप्लीकेबल किस में होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन का एप्लीकेबल कहाँ है। ये एप्लीकेबल है एनिमल में, और बाइसेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं, और उसके बाद आपके तीसरा है, इसको आप प्लांट में भी डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, एनिमल, बाइसेक्सुअल और प्लांट, ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन इनमें करते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि प्लांट में सेक्स डिटरमिनेशन का क्या मेथड और कितने टाइप के आपके प्लांट में सेक्स पाए जाते हैं। आपने प्लांट सेक्स कैरेक्टर में सुना होगा मोनोसियस और डायोसियस। आज हम जानते हैं कि मोनोसियस और डायोसियस प्लांट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं मोनोसियस। मोनोसियस प्लांट क्या होता है, जैसे एक मैं प्लांट बनाता हूं, ये प्लांट है, ये उसकी लीफ है, ठीक है, और यहां पर कोई फ्लावर है। तो ये फ्लावर आपका क्या होगा, इसमें
मोनोसियस प्लांट में सिंगल प्लांट में क्या होगा आपका फ्लावर, दोनों फ्लावर अवेलेबल होंगे। अब ये ब्रांच बना देता हूं मैं यहां पर, यहां पर भी एक फ्लावर है, यहां पर भी एक फ्लावर है, तो ये मेल हो गया और ये आपका फीमेल हो गया। इस तरीके के सिंगल प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर जो है पाए जाते हैं। इट बियर्स द सिंगल प्लांट मेल एंड फीमेल बोथ कैरेक्टर, बोथ लिंग। ओके, तो ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग, इन्हीं में पाया जाता है, इसलिए इसको मोनोसियस कह देते हैं। और डायोसियस में क्या होता है, ये एक प्लांट हो गया और दूसरा इसी तरीके का कोई एक और प्लांट बना देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों प्लांट में क्या हो रहा है, ये प्लांट मेल, इस प्लांट में जो फ्लावर है वो मेल फ्लावर आएगा, फिर इस प्लांट में जो फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर। तो क्या होता है कि डायोसियस प्लांट में दोनों तरीके के प्लांट का रेशियो हमको रखना पड़ता है, इसका कुछ रेशियो रहता है 10:1 का, या फिर अलग अलग रेशियो रहता है, तो इस रेशियो में हमको प्लांट को रखना पड़ता है ताकि हमारा पॉलिनेशन अच्छे से हो जाए। और आपको पता है कि पॉलिनेशन होने के बाद ही आपका फ्रूट डेवलप होता है, तो फ्रूट डेवलप होने के लिए आपको पॉलिनेशन जरूरी है। इसलिए जब भी आप डायोसियस प्लांट लगाते हो, कुकुम्बर लगाओ या पपाया लगाओ, तो दोनों का रेशियो हमको सेट रहता है, दोनों का रेशियो हमको रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डायोसियस, तो मोनोसियस और डायोसियस को आप समझ चुके हो। फिर से मैं बता दूं, मोनोसियस प्लांट में मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो एक ही प्लांट में होता है, और डायोसियस में मेल अलग और फीमेल अलग प्लांट में होता है, ठीक है। अब आपने मोनोसियस और डायोसियस, ये प्लांट का मतलब टाइप है, सेक्स कैरेक्टर प्लांट में होते हैं मोनोसियस और डायोसियस, फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल देते हैं उसी को, हर्माफ्रोडाइट बोल देते हैं, सब एक ही मिलता जुलता नाम है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे आप करते हो। मैंने अपने लेक्चर में बताया था आपको कि जो सेक्स है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। ये दो तरीके के होते हैं, पहला तो आपका प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर और दूसरा आपका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। तो पहला क्या है आपका, मैं यहाँ पर बात किसकी कर रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। तो पहला है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, ये नाम से आपको शायद समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक तो सेकेंडरी, दोनों को मैं यहां पे लिखवा देता हूं, ठीक है, फिर एक एक करके समझते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स में क्या होता है, ये आपका सिंस बर्थ के पहले जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे गुलांड और आपका इसी में आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गुलांड सी, इन सब से आप पहचान सकते हो कि जो जो भी बेबी है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये बर्थ के पहले या बर्थ के जस्ट बर्थ के समय ही समझो। और दूसरा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में जैसे फेसियल फेस को देख के आप जान सकते हो, वॉइस को देख के आप जान सकते हो, ठीक है, हार्मोनल हार्मोन्स के से भी आप जान सकते हो, इन सब चीज़ों से जानते हैं उसको, हम क्या कहलाता है वो, सेक्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। सो दोस्तों, इन्वायरमेंट और क्रोमोसोम जब कंट्रोल करता है सेक्स डिटर्मिनेशन को, तो अलग अलग तरीके से वो कंट्रोल करता है। अब हम जानेंगे कि जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है या क्रोमोसोमल सेक्स कंट्रोल है वो कैसे डिटरमाइन करता है या कैसे आइडेंटिफाई करता है। ये दो तरीके से आइडेंटिफिकेशन करता है, एक तो एलोसोम एक तो ऑटोसोम, ठीक है। ऑटोसोम क्या होता है, ऑटोसोम में जो क्रोमोसोम होते हैं वो रेदर देन या फिर सेक्स क्रोमोसोम के बाद जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, वो सारे क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाता है। और जो एलोसोम क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। जैसे ह्यूमन का एक सेल है जिसपे आपका 23 पेयर आपका क्रोमोसोम होता है, तो 23 पेयर क्रोमोसोम में 22 पेयर क्या हो गया आपका, ऑटोसोम हो गया, और एक सिंगल जो है आपका क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम या फिर वो एलोसोम कहलाता है। और उसी सिंगल एक क्रोमोसोम से ही हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये जो आने वाला जो संतान है वो मेल है या फीमेल है, या ऑर्गेनिज्म है वो या मेल है या फीमेल है, ये हम इससे पहचान कर लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलोसोम और ऑटोसोम क्या होता है। उसके फीचर्स ये हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, ऑटोसोम जितने भी क्रोमोसोम होंगे समान होंगे, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो होता है डिफरेंट होते हैं। और ये जो है सेक्स लिंकेज को एग्जिबिट नहीं करता। सेक्स लिंकेज क्या होता है,
जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस टाइम पे जब क्रोमोसोम पेयरिंग होती है, तो हमको ये पता है कि क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये जब पेयरिंग होती है एक दूसरे क्रोमोसोम से तो इस तरीके के जीन इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों के जीन कंबाइन हो जाते हैं और इस लोकेशन को क्या कहलाता है, ये जहाँ पर जीन लोकेटेड होते हैं उसको तो लोकस कह देते हैं, बट यहाँ जहाँ पर जो जीन है इस पोजीशन को हम क्या कह देते हैं, लिंकेज कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो जीन्स क्या होते हैं मिल रहे हैं, दोनों क्रोमोसोम के पैर मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, लिंकेज फिनोमिना कहलाता था, या फिर और इसी फिनोमिना को हम क्रॉसिंग ओवर भी कह देते हैं, जिस टाइम पर आपका जहाँ पर क्रॉस करता है क्रोमोसोम, जहाँ पर के और दोनों एक्सचेंज करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को, वो क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके फिनोमिना होते हैं और इसी को ये एग्जिबिट करता है ऑटोसोम क्रोमोसोम, और जो सॉरी जो एग्जिबिट नहीं करता वो ऑटोसोम क्रोमोसोम है, और जो इस तरीके के कैरेक्टर को एग्जिबिट करता है वो क्या है आपका, सेक्स लिंकेज क्रोमोसोम है या फिर वो एलोसोम है, ठीक है। अब हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हैं, और उनसे पहले दो डिजीज़ है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आप बोल सकते हो, सेक्स डिटर्मिनेशन जब आप पढ़ोगे तो ये दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसको मैं रफ करके बताता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन जो है किस तरीके से आपको पूछा जाते हैं। तो दो तरीके के सिंड्रोम होते हैं, पहला तो सिंड्रोम है आपका क्लिंगफिंटल सिंड्रोम, जिसमें आपका XXO कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से क्या हो जाता है, जो ह्यूमन मेल है उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, ठीक है। इस तरीके के एबनॉर्मेलिटीज के वजह से वो क्या कहला देता है आपका, क्लिंगफिंटर सिंड्रोम, इसको नाम दिया गया है और ये साइंटिस्ट का ही नाम है, उन्होंने अपने नाम पे ही डिसऑर्डर को डिस्कवर्ड किया। दूसरा जो सिंड्रोम से पूछा जाता है वो पूछा जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो सिंड्रोम्स होते हैं इसमें जो फीमेल होता है, ह्यूमन फीमेल, उनमें एबनॉर्मेलिटीज आती है, ठीक है। तो इस तरीके के दो सिंड्रोम्स होते हैं और यही दोनों सिंड्रोम्स पूछा जाता है जीआरएफ में, तो आपको याद रखना है कि किसमें मेल होता है किसमें फीमेल होता है, और ज़्यादा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। अब हम जो है एक फिनोमिना होता है जिसको बताते हैं सेक्स रिवर्सल। ये फिनोमिना में क्या होता है, जो मेल होता है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर उल्टा कर लो, फीमेल जो है मेल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्यों होता है, या तो ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से होगा या फिर क्रोमोसोमल इफेक्ट की वजह से होगा, ठीक है। दोनों तरीके से इफेक्ट होता है और इस फिनोमिना को सेक्स रिवर्सल कह देते हैं। अगर आपको जीआरएफ एग्जाम में आता है तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में उसको लिखवाता हूँ, उसके बाद आपको आंसर बताना है। चलिए फ्रेंड, अब जल्द से जल्द हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सेक्स क्रोमोसोम वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, सेक्स क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, तो वो किया गया था आपका एमसी लंग, ठीक है। एमसी लंग ने सेक्स डिटर क्या किया था आपके, फर्स्ट डिस्कवर किया था कि सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, किसमें मतलब डिस्कवर्ड हुआ था, तो वो ग्रास ऑफर में हुआ था, और इसमें किसने किया था आपका, जिनको जो साइंटिस्ट है वो विल्सन एंड स्टेवेंस है। यही आपको जो ऑप्शन दिया है इसी में आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए। देखो इसका आंसर तो एम सी लंग है, लेकिन जब पूछा जाएगा कि ग्रास ऑफर में किसने किया था, तो आपको विल्सन एंड स्टेवेंस आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। थर्ड आपका सेक्स लिंकेज जीन लोकेटेड ऑन, सेक्स लिंकेज जीन कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये एक्स क्रोमोसोम में लोकेटेड होता है, इसका आंसर आपका क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम आएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है बार बॉडीज आल्सो नोन एज, बार बॉडीज को क्या कहते हैं, ठीक है। तो बार बॉडीज को या तो गोल्जी बॉडीज कहते हैं, या फैट बॉडी कहते हैं, या सेक्स क्रोमेटिन कहते हैं, या नॉन ऑफ दिस कहते हैं, तो आपको आंसर बताना है कि जो बार बॉडीज होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ऑब्जेक्टिव्स भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों इसी तरीके से बने रहें वीडियो के साथ, धन्यवाद। क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे।
दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर पीडीएफ नोट्स आपको धनुकाएग्री.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया ICER-JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICER-JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।